नमस्कार, जनता टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 25 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज आठवें दौर की बैठक होगी, जिसमें किसान की ओर से दिए गए दो अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। दरअसल किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानून बनाने की मांगों पर अड़े हुए हैं। 30 दिसंबर को सातवें दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है, अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा, साथ ही बिजली बिल का भी मसला सुलझ चुका है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध जारी है। कई संगठन 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच अब तक 7 दौर की बैठक हुई, मगर हर मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन 40वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद कर रखा है। सरकार से किसानों की एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और सिर्फ MSP पर कानून लाएं। वहीं आठवें दौर की वार्ता को लेकर नरेंद्र तोमर ने कहा कि वार्ता में कुछ बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ज्योतिषी नहीं है जो ये बता सके कि किसानों के साथ होने वाली बैठक अंतिम होगी। वहीं आठवें दौर की बैठक से पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव किसानों की ओर से दिया गया है, उसे सरकार को मानना होगा। बिना मांगे पूरी हुए किसान वापस नहीं लौटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा कि हमारी मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 जनवरी को किसान कानून की कॉपियां जलाई जाएंगी। आठवें दौर की बातचीत से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ओर से मीटिंग का एजेंडा तैयार है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानून मीटिंग का एजेंडा रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की वजह से अभी तक 7 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार को जवाब देना होगा। बिना मांगे पूरी हुए किसान वापस नहीं लौटेंगे। वहीं आठवें दौर की बातचीत से पहले किसान नेता गुरनाम चढ़ून ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच अभी तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, मगर सरकार के रुख से नहीं लगता कि सहमति बनेगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार के साथ सहमति नहीं बनी तो ऐसे में किसानों का आंदोलन और लंबा खींच सकता है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए संगठन से लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। कड़ाके के ठंड में भी किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानून रद्द करने की मांग की। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके इन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि किसान सर्दी बारिश में टेंटों के नीचे बैठे हुए हैं, वो निडर होकर किसान अपनी गैर नहीं है, अब कुछ और देखने की कोशिश नहीं बचा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और देश को नेशनल एटोनॉमिक टाइम मैस्कल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। आज भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। दरअसल UNSC में भारतीय तिरंगा भी फहराता हुआ नजर आएगा। बता दें कि UNSC में आज से ही 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल शुरू होगा। भारत में कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। दोनों वैक्सीन भारत में तैयार हुई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से बनी है, तो वहीं दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। देश में कोरोना का टीकाकरण अभियान जल्द ही शुरू हो सकता है। टीकाकरण अभियान से पहले ड्राई रन भी हो चुका है। ऐसे में अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर देशव्यापी वैक्सीनेशन का काम शुरू होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को प्राथमिक सूची में रखा है। इसमें से है सबसे पहले हेल्थ वर्कर, सुरक्षा कर्मी, कोरोना वॉरियर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारी वाले लोग शामिल होंगे। ड्राई रन की तरह देश के हर जिले में वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर नियमित रूप से जानकारी देकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यानी घर घर नहीं बल्कि सेंटर पर जाकर ही टीका लगवाना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। वैक्सीनेशन साइट पर सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाएगा जो प्राथमिकता के आधार पर पहले रजिस्टर्ड होंगे। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड फोन नंबर पर SMS के जरिए जानकारी दी जाएगी कि आपको किस समय वैक्सीन बूथ पर पहुंचना है। बता दें कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाया गया है। वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, साथ ही वैक्सीनेशन के बाद ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डॉक्टरों ने BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली की सेहत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। सौरभ गांगुली की तबीयत स्थिर है। बता दें कि डॉक्टरों की टीम ने शनिवार को उनके हाथ का ऑपरेशन किया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां पर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं। घटना पर CM योगी ने संज्ञान लेते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। CM योगी ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। वहीं हादसे के बाद ईओ निहारिका सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ठेकेदार अभी भी फरार है। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब मुरादनगर स्थित शमशान घाट पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। बारिश की वजह से ये लोग छत के नीचे थे, तभी शमशान घाट का सेंटर धराशायी हो गया। इसमें कई लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 3 महीने पहले शमशान घाट का छत तैयार किया गया था, जिसमें कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने कहा कि निर्माण कार्य में घोटाला हुआ, इसी वजह से यह दर्दनाक हादसा पेश आया। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी तक बारिश और अगले 4 दिन तक दिल्ली NCR में तेज हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है। घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से बर्फ से लिपट चुका है। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से बाजार सुनसान पड़े हैं। वहीं सड़कों पर जमे बर्फ को हटाने के लिए काम शुरू हो चुका है। वहीं बनिहाल टनल के पास बर्फबारी होने से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर यातायात सेवा पूरी तरह से प्रभावित है। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 56 HCS अधिकारियों का तबादला करते हुए आदेश जारी किए हैं। रेवाड़ी और सोनीपत के जीते हुए पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात गुरुग्राम के PWG रेस्ट हाउस में हुई। इस दौरान सोनीपत में मेयर चुनाव हारने पर मंथन भी किया गया। BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि BJP ने नगर निगम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। किसानों के साथ सोमवार को होने वाली वार्ता पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है वार्ता सफल होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जींद के खटकड़ टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों को समर्थन दिया। इस मौके पर उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि पूरी संसद इन कानूनों के खिलाफ है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और अंबाला में 2 दिन से हो रही बारिश से खेतों में अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे किसानों के चेहरे पर वापस रौनक लौट आई है। वह किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों की फसलों को लेकर किसानों ने बताया कि साथ ही किसानों की फसलों का भी ध्यान रखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि हाल ही में लगाई गई गेहूं की फसल के लिए बारिश और धुंध बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने से फसल की पानी की जरूरत पूरी होगी और फसल की पैदावार अच्छी होगी। सोनीपत में 24/7 फिटनेस क्लब की ओर से किसानों के समर्थन में रन फॉर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवाओं को संबोधित करते हुए विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि रन फॉर फार्मर्स किसान आंदोलन को नई गति देगा। वहीं उन्होंने कहा कि आज किसान के साथ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं।
विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि युवाओं ने तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में सोनीपत से कुंडली बॉर्डर तक जो दौड़ लगाई है, ये किसानों के हौसले को बुलंद कर तानाशाही सरकार के किसान विरोधी मंसूबे को विफल करने में कामयाब रहेगी। हरियाणा की अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में रेडियो की शुरुआत हुई। प्रदेश की जेलों में अब पहली बार अपना जेल रेडियो होगा, जिसका नाम तिनका जेल रेडियो होगा। बता दें कि बंदियों को जेल रेडियो की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश में जेलों में रेडियो की शुरुआत के बाद अंबाला के 6 बंदियों को ट्रेनिंग मिली, जबकि पानीपत के 5 बंदियों को और फरीदाबाद के 10 बंदियों को ट्रेनिंग मिली। बता दें कि रेडियो पर रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह ने बताया कि दिसंबर 2020 में ऑडिशन के बाद इन तीनों जेलों के 21 बंदियों का जेल रेडियो के लिए चयन किया गया था। इन तीनों जेल में चयनित बंदी 5 दिवसीय रेडियो ट्रेनिंग का हिस्सा लेंगे। ये सभी बंदी अलग अलग उम्र, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज जोरदार बारिश देखने को मिली। वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी काली घटाओं के साथ अचानक मौसम बदल गया और जोरदार बारिश हुई, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं बल्लभगढ़ में झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए, जबकि बरसात आने से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। हरियाणा के गोहाना की रहने वाली सोनम मलिक एक बार फिर से मैच पर खेलने के लिए तैयार है। हाल ही में सोनम के एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, वहीं सोनम ने एक बार फिर से कमबैक किया है। सोनम 62 किलो भार वर्ग में खेलती है। उन्होंने पहलवान साक्षी मलिक को भी हराया था, जिसके बाद उन्होंने खूबसूरती बटोरी थी। वहीं सोनम ने बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वो अब एक बार फिर से वापस काम पे शुरू हो जाएंगी। बारिश के बाद भी किसानों के हौसले बुलंद है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित अटोहा चौक पर रहा किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 14वें दिन भी भूख हड़ताल पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के 11 किसान बैठे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि विधाता इस संकट की घड़ी में हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जिसमें हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं ने दो टुक कहा कि बारिश या ओले और तूफान भी आए, तब भी वो अपनी मांगों पर अड़िग रहेंगे। बल्लभगढ़ में झमाझम बारिश ने जहां एक तरफ ठंड बढ़ा दी है, वहीं सब्जियों में सब्जी के दाम भी आधे हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। किसानों का कहना है कि पैदावार कम हो गई है और सब्जियों के दाम गिरने से भी उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि ये बरसात और ठंड गेहूं की पैदावार के लिए काफी लाभदायक है। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आए एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान का नाम जगबीर बताया जा रहा है, जो जींद के झटल गांव के रहने वाले थे। जींद के इटल गांव के जगबीर की उम्र 58 साल की है। अचेत व्यवस्था में अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया और बताया कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे एक और किसान की मौत हो गई, जिसकी मौत ठंड लगने से बताई जा रही है। मृतक किसान संगरूर जिले के गाँव लिरान के रहने वाले हैं। वहीं किसान की मौत को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बल्लभगढ़ के बिल्लौच गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रशासन को मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बता दें कि दोनों ही पक्ष एक जमीन पर अपना दावा बता रहे हैं। भिवानी रोहतक मार्ग पर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलने के बाद DSP वीरेंद्र सिंह दलबल सहित मौके पर पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं DSP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस मामले को हत्या और दुर्घटना दोनों मानकर जांच कर रही है। सोनीपत के गोहाना में एक दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए, जिसमें से 7 ठगों ने ATM पिन पूछकर एक से 88,000 तो दूसरे से 1,45,000 से ज्यादा ठगी का शिकार बनाया। वहीं पुलिस ने दोनों के मामलों की जांच में शुरू कर दी है। यमुनानगर में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे लाखों रुपए ठगे, जिसके बाद पीड़िता महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी ने बताया कि 29 दिसंबर को पीड़ित महिला थाने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाशी शुरू की और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
सोनीपत के थरिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की। बदमाशों ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे अधमरा कर शहर के पास फेंक दिया। वहीं ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जिस दौरान युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई को भी शिकायत दर्ज करवा के जांच शुरू कर दी है। युवक की हत्या के बाद पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार के पास पीरावाली गांव में विवाहिता और उसकी बच्ची की संदिग्ध हालत में रेल के नीचे आने से मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर लड़की को तंग कर रखा था। परिजनों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया जाए। करनाल के सेक्टर 8 में गोलियां चलने से दहशत का माहौल है। दरअसल 4 बदमाशों ने राइस शेलर के मालिक के घर पर गोलियां चलाई। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें मुख्यमंत्री के मंडी दौरे और उनकी तरफ से ली गई समीक्षाओं बैठक और आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आचार संहिता अभी नगर निगम क्षेत्र में नहीं लगी है, लेकिन कांग्रेस को उनके दौरे करने से परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में अचानक खराब हुए मौसम के बाद लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि बर्फबारी के बीच बाहरी राज्यों से घूमने आए सैकड़ों पर्यटक अटल रोहतांग टनल और सोलंग नाला के रास्ते में फंसे हुए हैं। बर्फबारी के चलते सड़कों पर वाहनों के पहिए जाम हो गए और बर्फ के बीच वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही मनाली प्रशासन और पुलिस सहित रेस्क्यू दल मौके पर रवाना हो गए थे और वाहनों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। चंबा की ऊंचाई वाली चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में भी बारिश हुई। ऐसे में तापमान तो माइनस जा पहुंचा है और लोग भी ठंड से कांपने को मजबूर है। हिमाचल में प्रवेश कर रही भारी राज्यों की एसी वॉल्वो बस ऑपरेटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आरटीओ बैरियर स्वारघाट की प्रभारी विद्या देवी को अगुवाई में टीम ने 21 वॉल्वो बसों के चालान काटकर 3,24,500 रुपए जुर्माना वसूला। कुल्लू में नगर निकाय चुनावों के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। ईवीएम की एफएलसी करवाने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में पुलिस की सुरक्षा में सील कर दिया गया, जिसमें नगर परिषद कुल्लू के लिए 28 ईवीएम और नगर पंचायत भुंतर के लिए 15 ईवीएम मशीनें जारी कर दी गई हैं। 3 चरणों में पूर्ण होने वाले पंचायती चुनावों के लिए नूरपुर के स्थानीय नगर परिषद हॉल में पहली चुनावी रिहर्सल आयोजित की गई। इस रिहर्सल में 625 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। नूरपुर की पंचायत छतरौली में एमएलए और एमपी के लिए मतदाताओं को परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत चुनावों में लोगों को 7 किलोमीटर दूर जाकर अपना वोट डालना पड़ेगा। जिला कांगड़ा से पोंग झील में 7 समुद्र पार से पहुंचे विदेशी परिंदों की अचानक मौत हो रही है। पोंग झील के अलग अलग स्थानों पर अब तक 600 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि मरे हुए पक्षियों के सैंपल जांच के लिए बरेली, जालंधर और भोपाल भेजे जा चुके हैं। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 8,54,00,000 से ज्यादा हो चुके, जिनमें से 18,50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी, तो वहीं 6,04,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका से है। अमेरिका में 2,11,00,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,60,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,24,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 70,33,000 को क्रॉस कर चुके, जिनमें से 1,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, तो वहीं 68,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। रूस में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,36,000 को क्रॉस कर चुकी, इनमें से अब तक 98,500 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं 26,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के 16,678 मामले सामने आए, जबकि 19,658 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 215 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,41,000 के पार पहुंच चुके, इनमें से 99,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,59,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 19,42,000 को क्रॉस कर चुका है। इनमें से 39,660 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 18,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 424 नए संक्रमित मामले सामने आए, इसके बाद कुल आंकड़ा 6,26,870 को क्रॉस कर चुका है। इनमें से 5,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस 5,88,100 को क्रॉस कर चुके हैं, इनमें से 8,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 12,800 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत।